तो गाइस आज की वीडियो में हम एक ओले क्रीम पर रिव्यू करेंगे। अगरचे आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं रहती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती है, आपकी स्किन बहुत लूज है, आपकी स्किन पे आपको टाइटनेस महसूस नहीं होती, ग्लो महसूस नहीं होती, आप एक आइडियल फेस चाहते हो, जैसे कि आप लोगों के फेस देखते हो सबसे ज्यादा साउथ कोरिया में, लोगों की स्किन बहुत टाइट बहुत जवान होती है, लाइक वो 50 साल मतलब 50 साल की भी हो जाते हैं तब भी जो उनकी स्किन है वो बहुत टाइट फील होती है। ठीक है, उसका राज क्या है, क्या चीजें हमें यूज करनी चाहिए, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए जिससे हमारी स्किन जो है वो टाइट रहे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करना, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस सिंपल जिस प्रोडक्ट में मैं रिव्यू कर रही हूँ वो इस तरीके का नजर आता है। ओले कंपनी का नाम है, आप सभी जानते हो ओले कंपनी को, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक फेस वॉश क्या मॉइस्चराइजर और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटिंग क्रीम पर। ठीक है, हाइड्रेटिंग क्रीम एक्चुअली में क्या काम करती है, जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, जब आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है वो एक अच्छी स्किन होती है, एक हेल्दी स्किन होती है, ग्लोइंग स्किन, टाइटन स्किन, क्लियर क्रिस्टल क्लियर स्किन होती है ना उसको, स्किन को जिसपे ग्लो होती है वो एक अच्छी स्किन होती है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हम बॉडी में अगर नहीं लेते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी को वो चीजें नहीं मिल पा रही होती है, फेस के ऊपर उसकी मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही होती है, तो हमारी स्किन बहुत मुरझा जाती है, बहुत सैगी हो जाती है बहुत कम एज में, किसी किसी की तो 30+ के बाद जाके भी आंखों के नीचे इतनी फाइन लाइंस आ जाती हैं और आंखें बिल्कुल लाइक ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत बड़ी उम्र के हो या बहुत ज्यादा एज है, तो वो होती है हाइड्रेशन की कमी, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी, नमी की कमी। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर नमी रहेगी, आपकी बॉडी टाइट रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी। आप देखो जब सालन के अंदर आप देखते हो सालन को पकाते हो और कम ऑयल का इस्तेमाल करते हो या फिर आपके सालन के अंदर बराबर ऑयल या फिर उसको अच्छे से आपने भुना नहीं होता तो वो शाइन या ग्लॉसी नहीं लगता है। जब आप उसकी भुनाई लगाते हो, अच्छे से उसे पकाते हो, उस पर मेहनत करते हो तो उसके अंदर एक ग्लो आती है, उसके अंदर अच्छे से ऑयल डालते हो तो वो एक ग्लोइंग जो है वो सालन होता है। तो मतलब आपकी सालन के अंदर वो सारी चीजें जो आपने उसे देनी है। ठीक है, मैं ऑयल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपने अपने सालन के अंदर ऑयल लाना है, मैं एक ग्लो की बात कर रही हूँ कि सालन चमकता धमकता आपको नजर आता है, आंखों को भाता है वो, आपकी लाइक टेस्ट वो कैसे होगा टेस्ट वाइज ये नहीं पता होता बट देखने के हिसाब से वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब आप तेल की कमी करते हो तो एकदम रूखा रूखा बिना तेल के बिना शाइन के अजीब सा लग रहा होता है, ऐसे स्किन का हाल होता है, स्किन के अंदर हाइड्रेशन नहीं होती तो रूखी रूखी स्किन पे क्रैक्स पड़े हुए, बहुत ज्यादा बेजान सी, लटकी सी, पतली सी, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो स्किन के अंदर नमी की कमी, स्किन के अंदर हाइड्रेशन की कमी, स्किन के अंदर आपको वो चीज, वो थोड़ा सा ऑयल, वो चिकनाहट आपकी स्किन में नहीं होती। एक्स्ट्रा एक्सिस ऑयल की मैं बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल चिकनाहट की बात कर रही हूं जो स्किन पे रहनी चाहिए, जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कहते हैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप यूज मत करो, ऑयली स्किन वालों को स्पेशली कहते हैं, जिससे कि आपका नेचुरल इतना ऑयल भी चला जाए कि आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाए, ऑयल से ड्राई हो जाए। ठीक है, आपने ऑयल को कंट्रोल करवाना होता है ना कि खत्म करना होता है। ठीक है, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश का मकसद ये होता है कि आप उसके अपने ऑयल को कंट्रोल करवाओ, जितने लिमिट में आपकी स्किन को जरूरत है उतना रखो, ना कि आप अपनी स्किन से निकाल कर ही फेंक दो तो स्किन बेजान हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रेशन वाली क्रीम्स जब आप मार्केट से परचेज करते हो तो उसका जो मकसद होता है वो होता है आपकी स्किन को स्मूथ रखना, सॉफ्ट सप्पल मुलायम और टाइट भी फील करवाना। ठीक है, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए वो बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जो लोग 20+ के बाद जिनकी स्किन खराब हो जाती है, जिनकी स्किन लटक जाती है, पतली हो जाती है, बिल्कुल ऐसी फील होती है जैसे बूढ़ी हो गई हो, बहुत सैगी सी महसूस होती है, पकड़ने से भी पतली महसूस होती है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है, आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। इससे आपके स्किन की फाइन लाइंस कम होंगी, रिंकल्स आपके खत्म होंगे, आपके स्किन पे स्मूथनेस आएगी, स्किन टाइट होगी, स्किन पे किसी भी किस्म के स्पॉट्स वगैरह है वो कम होंगे, स्किन ब्राइट होगी। ठीक है, स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होगी। ये बहुत लाइक ओले बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये इन्होंने हाइड्रेशन के लिए बनाया है जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स आपकी खत्म होती है। बात करें पैकेजिंग की तो छोटी सी पैकेजिंग होती है जो कि आपको लाइक ऐसा आप बोल सकते हो 56 ग्राम्स की ही होती है और ये आप ट्रेवल साइज बोल सकते हो, बड़ा साइज भी आपको इसमें मिल जाएगा, ये ट्रेवल साइज होती है और बजट फ्रेंडली है, इतनी महंगी नहीं है। ओले एक बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब बड़े ब्रांड्स के अंदर ओले का नाम आता है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली उन लोगों की स्किन के लिए, लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, बहुत ज्यादा रफ
होती है और उस पर ग्लो नहीं होती, स्किन टाइट नहीं महसूस होती उन लोगों के लिए, ठीक है। ओके, इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें थोड़ी सी थिक होती है बट बहुत माइल्ड होती है। आप लगाओगे, एप्लीकेशन जैसी करोगे वैसी एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्किन के अंदर ग्रीसी नहीं होती। इसके अंदर एक स्पेशली बात यह है कि क्रीम थिक है, कंसिस्टेंसी थिक है बट क्रीम ग्रीसी नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्रीम होती है हमारी सर्दियों की, वो बहुत ग्रीसी भी होती है, बहुत थिक भी होती है, तो वो स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, वो पोर्स को क्लॉक कर देती है, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं करती है। बात करें इसकी रेटिंग की तो 4.7 की इसकी रेटिंग थी आउट ऑफ 5, मतलब सबसे हाई रेटिंग थी इसकी क्रीम्स के अंदर, क्योंकि बजट फ्रेंडली है और फिर स्किन के लिए अच्छी है। आप यही चाहते हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, सस्ता भी हो, आपके बजट में भी आ जाए एंड सब इसको परचेज कर सके। बात करें इसकी प्राइस की तो $7 में आपको मिलती है, 56 ग्राम की ट्रेवल साइज है ये, आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। व्हाइटनिंग क्रीम्स इन सब की जरूरत नहीं होती, आपके स्किन को एक हाइड्रेटिंग क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जरूरत होती है, दैट्स इट। इससे आपकी जो स्किन केयर होती है कंप्लीट हो जाती है नाइट टाइम के लिए। रेटिंग आपको मैंने बताया कि 4.7 की थी, कमेंट्स और रिव्यू की बात करें 10,000 प्लस थे, बहुत अच्छी थी, बट क्वांटिटी के ऊपर लोगों को थोड़ा सा इश्यू था जिसकी वजह से लोगों ने इसकी जो 3 point रेटिंग कम की है। 4.7 थी वो जस्ट इसलिए कि पैकेजिंग बहुत छोटी है, और लाइक बड़ी पैकेजिंग भी आप ले सकते हो लेकिन बस क्वांटिटी की बात है कि अगर आपको एक चीज अच्छी मिल रही है तो प्राइस से हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक है, बट लिटिल क्वांटिटी में मिल रही है अगर आपको वो सूट कर रही है तो आप उसे परचेज कर सकते हो। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तब आप इसको बहुत कम लगा सकते हो, हफ्ते में 2 बार अगर लगाना चाहते हो, नहीं तो आप इसके स्किप कर सकते हो। नॉर्मल स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले इसको इजीली यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वाले भी इसे आराम से यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। बात करें यूज करने के तरीके की तो नाइट टाइम पे भी यूज कर सकते हो, डे टाइम पे भी यूज कर सकते हो, हाइड्रेटिंग क्रीम है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, सनस्क्रीन के साथ दिन में भी यूज कर सकते हो एंड नाइट टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।